हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो क्लासेस। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे बच्चों, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजा है, और कुछ बच्चे हैं जो अभी भी नहीं भेज रहे हैं होमवर्क्स कंप्लीट करके। तो उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट करके नहीं भेजोगे बच्चों, तो आपका जो अटेंडेंस है उसे एबसेंट मार्क कर दिया जाएगा, और टोटल पूरे वीक का अटेंडेंस भी हो सकता है कि उसे मतलब पूरे वीक का जो अटेंडेंस है उसे एब्सेंट के आकार में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, है ना। जो टाइम मिला है इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। ये एक सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, बिकॉज आपके भलाई के लिए ही हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। आपका पढ़ाई कैसे चलता रहे उसके बारे में हम लोग ये सब सोच करके ये सब कुछ कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, एनसीईआरटी आपको होमवर्क दिया गया था। जितने बच्चे कर लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं किए हैं वो थोड़ा सा सिंसियरिटी शो करें और होमवर्क्स को कंप्लीट करें, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, है ना, जो हमारे केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको हर एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि ये बड़ा चैप्टर है इसे बाद में पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, नहीं वैसा नहीं है। आपको जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है आप उस हिसाब से पढ़ते रहोगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले बच्चों हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, ओके, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ made up of different kind of atoms, okay, different kind of atoms combined together in a fixed ratio, ओके। तो कंपाउंड्स क्या है ना, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। सबसे पहला चीज है ना, स्टैंडर्ड 9 में आप लोग पढ़े होंगे मैटर के बारे में, पहला चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें आप लोग पढ़े होंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, और ये सब्सटेंस बनते कैसे हैं ना, जब अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, अलग अलग तरह के एलिमेंट के एटम्स, जैसे कार्बन का एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया तो कंपाउंड बना कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के साथ मिक्स हो गया तो कंपाउंड बना हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम का जो एटम है वो हाइड्रोक्साइड के आयन के साथ कंबाइन कर गया तो कंपाउंड बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम लोग कह सकते हैं, है ना, दीज आर द कंपाउंड्स, ओके। और कंपाउंड्स क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ओके। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इतना अगर चाहें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं ना, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और एलिमेंट्स जब अलग अलग तरह से मिक्स मिलते हैं कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो HCl, ठीक है, H2SO4, ओके, और उसके बाद H2CO3, ओके, ये सब कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद HNO3, ओके, ये भी कंपाउंड है, उसके बाद NaOH, ये भी एक कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज COH2, ये भी कंपाउंड है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH2, ये भी कंपाउंड है, ठीक है। उसी तरीके से KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कंपाउंड है, ठीक है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल हम लोग कुछ सॉल्ट का, ये एसिड के एग्जाम्पल्स हमने पहले लिख दिए हैं, फिर बेस का एग्जाम्पल लिखा है, सॉल्ट का एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हो। सबसे कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, जो हम लोग खाते हैं कॉमन सॉल्ट, है ना, NaCl हो गया,
KCl, ठीक है, Na2SO4, ओके, NaHCO3, ओके, Na2CO3, ओके, ऐसे लिखते जाएंगे तो ये खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, है ना। उसके बाद MgSO4, ओके, MgCl2, ओके, तो वेरियस सॉल्ट्स आर देयर, है, ये सब कंपाउंड्स के कैटेगरी में जाते हैं। किसके कैटेगरी में जाते हैं? कंपाउंड्स के कैटेगरी में। देखो, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, HCl प्योर सब्सटेंस, H2SO4 प्योर सब्सटेंस, H2CO3 प्योर सब्सटेंस, Na2SO4 प्योर सब्सटेंस, NaCl प्योर सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड आप लोगे वो प्योर सब्सटेंस है। मेड ऑफ व्हाट? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहां देखो पोटेशियम क्लोरीन, यानी कि इसे पढ़ा कैसे जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, हम एटम्स गिना बता रहे हैं, तो यहाँ पोटेशियम का एटम है, क्लोरीन का एटम है, सोडियम का एटम, सल्फर का एटम, ऑक्सीजन का एटम, तो डिफरेंट काइंड्स के एटम्स यहाँ पर कंबाइन हुए हैं। और कैसे? फिक्स्ड रेशियो में। कैसे कंबाइन होंगे? फिक्स्ड रेशियो, यानी कि आप कहीं से भी HCl लेकर, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड लेकर के आओगे तो उसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ही होगा, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि H2Cl या HCl2, नहीं हो सकता, है ना। HCl एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो कितना है, 1:1, एक हाइड्रोजन होगा एक क्लोरीन होगा, है ना। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर, जैसे सपोज कर लो HNO3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन एटम्स प्रेजेंट है, तीन एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक एक है, ऑक्सीजन कितना है, तीन है, तो 1:1:3, है ना, रेशियो इस तरीके से निकलेगा, फिक्स्ड रेशियो है। कैसा रेशियो है? फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं बच्चों, इनको तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। द कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, ओके। कंपाउंड्स को हम लोग तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री बिगर कैटेगरीज नोन एज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ओके। तो हम लोगों को एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर का नाम तो आप लोग जान ही चुके हो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अपने पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे फिलहाल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या है इसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही हम लोग, लेकिन उससे पहले, एसिड अलग तरह के कंपाउंड है, बेसिस का प्रॉपर्टी अलग होता है, सॉल्ट का प्रॉपर्टी अलग होता है, तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, है ना। तो इनके बारे में हमें पढ़ना तो है, ठीक है, बट हम लोग पहले ये जानेंगे कि इनका पहचान कैसे होगा, कौन एसिड है और कौन बेस है, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, है ना, रिकॉग्नाइज हम लोग कैसे करेंगे, या फिर आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, है ना, रिकॉग्नाइजिंग विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, है ना। इंडिकेटर्स उनके नाम से पता चल रहा है, दे विल इंडिकेट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और इसका डिस्कशन हो जाने के बाद फिर हम लोग इंडिविजुअली एसिड, उसके प्रॉपर्टीज, बेस और उसके प्रॉपर्टीज, फिर फाइनली सॉल्ट और कुछ कॉमन कंपाउंड सॉल्ट के जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग देखो, हम फिर से बता दे रहे हैं, हम लोग स्टार्ट किए हैं कंपाउंड से। कंपाउंड क्या होते हैं उसका डेफिनेशन बताया गया, तीन तरह के कंपाउंड हो सकते हैं अगर हम लोग क्लासीफाई इस तरीके से करें तो। और फिर हमारा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज यानी कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ना, उसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या है वहां से हम लोग आज अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट आर इंडिकेटर्स, ओके। इंडिकेटर्स हम लोग किसे कहते हैं, देखो पहले तो डेफिनेशन, इंडिकेटर्स, ओके। तो बेसिकली इंडिकेटर्स हम लोग किसे कहते हैं, ना दोज सब्सटेंसेस विच टेल्स अस और इंडिकेट्स अस
गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस. ओके, तो इंडिकेटर्स क्या है ना, वो सब्सटेंसेस जो हमें बताते हैं या इंडिकेट करते हैं कि दिया गया जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. ठीक है, और वो ऐसा करते कैसे हैं ना, बाय चेंजिंग देयर कलर्स. ओके, और बहुत कम केसेस में बाय चेंजिंग देयर स्मेल. ओके, और इन फ्यू केसेस बाय चेंजिंग देयर स्मेल. By changing their smell, okay. ये कुछ केसेस ही हमें पढ़ने हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कलर्स चेंज करके इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो मतलब एसिड है या बेस है. ठीक है, एसिड है या बेस है. समझ में आ गया इंडिकेटर्स कैसे किसे कहते हैं, वो सब्सटेंसेस जो हमें बताते हैं या इंडिकेट करते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. और कैसे वो करते हैं ये काम ना, बाई चेंजिंग देयर कलर्स. उनका कलर चेंज होता है और कलर को पहचान कर ही हम जान पाएंगे कि जिस सब्सटेंस के साथ हम उसे टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है. ठीक है, सबसे पहला जो इंडिकेटर के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों वो क्या है, लिटमस. ठीक है, सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में जो हमें पढ़ना है दैट इज लिटमस. ठीक है, लिटमस क्या है ना, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. ओके, तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो बच्चों कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है. ओके, तो लिटमस इट इज ए नेचुरल, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर. ओके, विच इज पर्पल, विच इज पर्पल व्हेन न्यूट्रल. नॉर्मल कंडीशन में उसका कलर कैसा होता है, पर्पल. न्यूट्रल कंडीशन में उसका कलर कैसा होता है, पर्पल. तो इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज पर्पल व्हेन न्यूट्रल एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड, कहां से पाया जाता है, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस. अब आप लोग बोलोगे सर लीचेंस क्या है फिर, है ना, तो लीचेंस क्या होता है बच्चों ना, ये एक तरह का प्लांट है. ठीक है, लीचेंस इज ए प्लांट. ओके, बिलोंगिंग टू विच डिविजन, दैट इज थैलोफाइटा, है ना, ये थोड़ा बायोलॉजी भी आ गया, है ना, कौन से डिविजन में बिलोंग करता है, थैलोफाइटा. ओके, तो लीचेन एक प्लांट है बच्चों, उससे हम लोग ऑप्टेन करते हैं क्या, लिटमस ऑप्टेन करते हैं. लिटमस इंडिकेटर है, सोल्यूशन के आकार में मिलता है हम लोगों को लिटमस, दो तरह से हमें मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, और लिटमस पेपर भी आता है, है ना, लिटमस पेपर भी आता है. ठीक है, दैट इज ड्राई कंडीशन. ओके, तो ये हो गया लिटमस का, लिटमस क्या है. ठीक है, अच्छा, न्यूट्रल कंडीशन में उसका कलर कैसा होता है, पर्पल. न्यूट्रल कंडीशन में उसका कलर कैसा होता है, पर्पल. ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो लैब में लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं उनके जनरली दो कलर्स हैं. ठीक है, जो हमारे लैब में लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं उनके जनरली दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर, एंड रेड लिटमस. ठीक है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. ओके, अब हम लोग लैब में अपने लैबोरेटरी में जनरली लिटमस को पेपर के आकार लिटमस पेपर यूज करते हैं, और कौन से कलर में दो अवेलेबल है वो ना, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. ठीक है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. तो इंडिकेटर का डेफिनेशन हम यहां पर मिटा रहे हैं, आप लोग लिख सकते हो. ओके, और हम बता रहे हैं कि आप कलर चेंज के बारे में, है ना, ब्लू लिटमस सपोज कर लो आप लिए. ठीक है, आप उसमें एक कंपाउंड ऐड किए. ठीक है, क्या ऐड किए, एक कंपाउंड ऐड किए, वो कंपाउंड एसिड हो सकता है या बेस. हम लोग एसिड और बेस को ही चेक करेंगे,
सॉल्ट को यहां पर हमें चेक नहीं करना है। ब्लू लिटमस में हम एक कंपाउंड ऐड किए और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वो कंपाउंड बेस था। वो कंपाउंड कैसा था? बेस। ब्लू लिटमस में जब आप बेस को ऐड करोगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। किसे ऐड करने से? बेस। उसी ब्लू लिटमस में अगर हम लोग एक कंपाउंड ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक कंपाउंड ऐड करते हैं और सपोज कर लो कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है, दैट मींस वो गिवन सब्सटेंस क्या था ना, एक एसिड था, ठीक है। सो व्हेन एसिड इज एडेड टू ब्लू लिटमस द कलर चेंजेस टू रेड, द कलर चेंजेस टू रेड, एंड व्हेन बेस इज एडेड टू ब्लू लिटमस द कलर रिमेन्स एज इट इज, है ना, द कलर डज नॉट चेंजेस, द कलर डज नॉट चेंजेस। तो ये हो गया ब्लू लिटमस कैसे काम करता है। अब उसके बाद देखते हैं रेड लिटमस। रेड लिटमस में अगर सपोज कर लो आप एक कंपाउंड ऐड किए, आपको नहीं पता है कि वो कंपाउंड कैसा है, एसिड है या बेस है, और आप देखें कि रेड लिटमस का कलर चेंज होकर के ब्लू हो गया, ठीक है, तो वो बेस है। तो वो क्या है? बेस। पता ये चला कि रेड लिटमस में जब आप बेस को ऐड कर देते हो तो उसका कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू। उसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग रेड लिटमस में एक कंपाउंड ऐड करते हैं, ठीक है, और उसका कलर नहीं चेंज होता, रेड का रेड रहता है, यानी कि द गिवन सब्सटेंस वाज एन एसिड, द गिवन सब्सटेंस वाज एन एसिड, ठीक है। तो यहां हम लोगों को पता चल गया कि एसिड में क्या होता है ना, रेड लिटमस सॉरी ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। एसिड का पहचान क्या है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, है ना, इसको ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं। और बेस का क्या पहचान है ना, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ओके, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। समझ में आया? तो ये है बच्चों लिटमस का, इतना हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, हम लोगों को कहां से मिलता है ना, हम लोगों को लिचन से मिलता है। फिर सवाल ये आता है कि लिचन क्या है ना, लिचन एक प्लांट है और कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है, थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है, बायोलॉजिकल टर्म है, आप लोग याद रख सकते हो। और ये कैसे काम करता है उसको यहां पर हम लोग समझे कि मतलब कलर चेंज करके वो किस तरीके से हम लोगों को इंडिकेट करता है कि कौन सा कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो बेस है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है, लिटमस खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड पूरा नजर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। चलिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? दैट इज मिथाइल ऑरेंज, ओके। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है? इट इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर, इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, ओके, जिसे हम लोग लैब वगैरह में प्रिपेयर करते हैं। वो प्लांट से ऑप्टेन किया जाता था, यानी कि वो नेचुरल था, ठीक है। और यहां पर मिथाइल ऑरेंज जो है वो सिंथेटिक है, यानी कि आर्टिफिशियल मैनमेड है, लैब्स वगैरह में इसे प्रिपेयर किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करता है देखो, मिथाइल ऑरेंज जो है, अगर मिथाइल ऑरेंज में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे, तो मिथाइल ऑरेंज विल टर्न रेड इन एसिड, ओके। मतलब एक सब्सटेंस आप लिए, आप उसको मिथाइल ऑरेंज में डाल दिया और उसका कलर रेड हो गया, ठीक है, तो वो सब्सटेंस एसिड है। वो सब्सटेंस क्या है?
एसिड है। उसी तरीके से अगर मिथाइल ऑरेंज में आप एक सब्सटेंस को ऐड किए, ठीक है, और कलर सपोज कर लो आप एक कंपाउंड ऐड किए थे यहां पर और एक कंपाउंड यहां पर ऐड किए, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज में एक कंपाउंड ऐड करते हो, ठीक है, और आप देखे हो क्या देखे द कलर चेंज्ड टू येलो, द कलर चेंज्ड टू येलो, तो इसका मतलब है द गिवन सॉल्यूशन वाज ए बेस और बेसिक सॉल्यूशन और बेस द सब्सटेंस वाज ए बेस, है ना। तो इस तरीके से बच्चों मिथाइल ऑरेंज जो है वो काम करता है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें इसके बारे में, और इतना ही बस जानना था कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में कैसा होता है, रेड होता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में कैसा होता है, येलो होता है, एसिड या फिर एसिडिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, ओके। इसके बाद आता है बच्चों फेनोफ्थलिन, ओके, मिथाइल ऑरेंज खत्म, एसिड में रेड होता है और बेस में येलो, ठीक है। उसके बाद आएगा फेनोलेप्थेलिन, ओके, ठीक है। ये देखो ये भी एक कैसा है, इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि फिर से हम बता दे रहे हैं ये मैन मेड है, दैट इज आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल है ये बच्चों, मैन मेड है, ओके। और इसका कलर देखो, फेनोफ्थलिन इन एसिड, ओके, फेनोफ्थलिन जो है, फेनोफ्थलिन सॉल्यूशन, अगर फेनोफ्थलिन इंडिकेटर आप लोगे एसिड में रखोगे तो वो कलरलेस होगा, कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है। और फेनोफ्थलिन को अगर आप किस में डाल देते हो, किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हो, दैट इज फेनोफ्थलिन इन ए बेस, इन ए बेस, इसका कलर कैसा हो जाता है ना, पिंक, ठीक है, ओके। तो पिंक कलर का वो हो जाता है, ठीक है। तो फेनोफ्थलिन इस तरीके से, फेनोफ्थलिन में हम एक सब्सटेंस को डाले और उसका वो कैसा हो गया, कलरलेस, दैट मींस जो सब्सटेंस आप डाले थे वो एसिड था। फेनोफ्थलिन में हम एक सब्सटेंस को डाले और कलर पिंक हो गया, मतलब जिस सब्सटेंस को आप डाले थे वो बेस था, जिस सब्सटेंस को आप डाले थे वो क्या था, बेस था, ओके। तो ये था बच्चों मतलब आपका फेनोफ्थलिन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में, ओके। और फाइनली हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, सारे कलर चेंजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हालांकि हमें बाद में डिस्कशन करना है, तो फिलहाल उसके लिए हम लोग उसको ये नहीं करते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्मेरिक के बारे में, ठीक है, टर्मेरिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके, ठीक है। टर्मेरिक दैट इज हल्दी, ठीक है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। टर्मेरिक इज ए, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना, ऑब्वियसली नेचर में पाया जाता है, टर्मेरिक कहां पाया जाता है, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ओके, ओके। टर्मेरिक को अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, इट टर्न्स रेड, ओके। इसमें एक येलो कलर का डाई होता है बच्चों, इट कंटेन्स ए येलो कलर डाई, इट कंटेन्स ए येलो कलर डाई, ओके। और जैसे ही आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हो तो वो कैसा हो जाता है बच्चों, ना रेड हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि मतलब जो मतलब सब्सटेंस है वो मतलब बेसिक है, और अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन कलर, एसिड में डालोगे, इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमें दिया गया सब्सटेंस था वो एसिडिक था या बेसिक।
बेसिक था। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना, कुछ इंडिकेटर्स जो अपना स्मेल चेंज करके, है ना, जो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं जब उनमें एसिड या बेस डाला जाता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स विच टेल्स अस वेदर ए गिवन सब्सटेंस is acidic or basic by changing its smell, by changing its smell, okay, is known as olfactory indicators, is known as olfactory indicators, okay। तो वो indicators जो अपना smell change करके हमें इंडिकेट करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो मतलब एसिड है या बेस है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि ऑनियन, ठीक है, ऑनियन अगर लिया गया, ऑनियन में आप किसी एसिड को डालो तो ऑनियन का एक पर्टिकुलर टाइप का स्मेल होता है ना, है ना, आप जानते होंगे ऑनियन तो काफी कॉमन है ना, ऑनियन का बच्चों एक पर्टिकुलर टाइप का स्मेल होता है, और जब हम लोग ऑनियन में एसिड डालते हैं, द स्मेल डज नॉट चेंजेस, द स्मेल डज नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंजेस, उसका स्मेल कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, द स्मेल रिमेन्स। ओके, बट व्हेन वी एड ए बेस, ओके, द पिक्यूलियर स्मेल, उसका जो एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेसिफिक स्मेल होता है, द पिक्यूलियर स्मेल वैनिशेस, ओके, वो चला जाता है, ठीक है। तो ऑनियन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर, ऑनियन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर। इन ए सिमिलर वे, इफ आई विल टेल यू वैनिला, ओके, वैनिला, तो वैनिला जो है बच्चों वो भी एक ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर है ना। वैनिला का एक प्लीजेंट स्मेल होता है, वैनिला हैज ए प्लीजेंट स्मेल, ओके। जब वैनिला में हम लोग एसिड ऐड करेंगे, जब वैनिला में हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो स्मेल चेंज नहीं होगा, द स्मेल डज नॉट चेंजेस, द स्मेल डज नॉट चेंजेस। बट जब हम लोग वैनिला में किसी बेस को ऐड कर देते हैं, द प्लीजेंट स्मेल, द प्लीजेंट स्मेल वैनिशेस, ओके, वो जो प्लीजेंट स्मेल था वो खत्म हो जाता है ना? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज इंडिकेटर्स। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स सच एज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड लेटर वी डिस्कस्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड वॉट आर इंडिकेटर्स, द डेफिनेशन, द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। We have classified them as natural indicator and synthetic indicators. So, one more thing which we will be studying in the latter part of this chapter is about universal indicator and pH scale. Okay? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और हम लोग अपने इस टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को देख लें, और जो पुराना होमवर्क था जो जिन बच्चों ने नहीं किया है उनसे ये स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आप लोग होमवर्क कंप्लीट करो, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंटीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।